लेकिन याद रखना श्रवण कुमार नहीं मान। आज धीरे 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 तीर्थ कराता हुआ चला है, अयोध्या के निकट जब आया है तो महाराज उद्यालय कृषि को बड़ी जोर की प्यास लगी। कहने लगे लाला हमें बड़ी जोर की प्यास लग रही है, कहीं जल मिल जाए तो ले आओ। एक वृक्ष के नीचे माता और पिता को रख दिया। आज बेटा श्रवण कुमार जल लेने के लिए चला तो बहुत दूर तक जल खोजा, लेकिन महाराज कहीं पर जल नहीं मिला। आगे बढ़ते गए तो एक बहुत सुंदर सरोवर है। उस सरोवर में जाकर के बेटा श्रवण ने तूमी को बोला है, महाराज दशरथ पहरा दे रहे हैं, कल कल की आवाज हुई है, राजा दशरथ ने बाण मार दिया। आज जैसे ही जाकर के बाण लगाए तो हाय माता पिता कह करके श्रवण कुमार जमीन पर गिर गया। महाराज दशरथ ने जब ये शब्द सुने कहने लगे हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमें लगता है कोई इंसान मारा गया। पास में आए, पास में आकर के कहने लगे बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं उद्यालय कृषि और चंद्रकला का बेटा हूँ। आज दशरथ रो गए, बाप भैया ये क्या हुआ बेटा? माता पिता कहाँ? बोले माता और पिता को मैं तीर्थ कराने के लिए ले जा रहा था, मैया को बड़ी जोर की प्यास लगी थी, जल लेने के लिए आए थे, लेकिन तुम बताओ तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन हो? तो आज कहने लगे राजा दशरथ श्रवण कुमार मैं तुम्हारा सगा मामा हूँ, तुम मेरे सगे भांजे। आज श्रवण कहने लगा मामा तूने ये क्या कर दिया? आज परीक्षित महाराज रोकर के बोलते हैं प्रभु प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, झूठे प्यासे पितर भगवान ये क्या हो गया? प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, झूठे प्यासे पितर पिता को क्या पिलाता।
कहने लगे, मामा जाकर के मेरे माता पिता को जल पिला देना। अगर तुमने पहले से आवाज मेरे मैया और बबुला को सुना दी तो मेरे माता पिता पानी नहीं पिएंगे। मेरे भगवत प्रेमी और राजा दशरथ जल लेकर के गए। कदमों की आहट को जब सुनाए तो चंद्रकला बोली, है बेटा श्रवण, लाला बड़ी देर कर ली, तू आ गया। लेकिन राजा दशरथ नहीं बोले, महाराज दशरथ ने तूमी को लिया और उद्यालक ऋषि के हाथों में पकड़ा दिया। उद्यालक ऋषि कहने लगे, बेटा इतनी देर कहाँ हुई? परीक्षित महाराज ध्यान रखना, राजा दशरथ नहीं बोले। चंद्रकला कहने लगी, महाराज हमें ये लग रहा है कोई गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि इतनी देर में तो एक आवाज पर मेरा बेटा आवाज देता था, ये मेरा पुत्र नहीं है। भाई तुम कौन हो? तो आज राजा दशरथ बोले हैं, क्षमा करना पहलवी साहब, मैं तुम्हारा सगा साला दशरथ हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम्हारे बेटा शिवर कुमार के मैंने बाण मार दिया। आज उद्यालक ऋषि और चंद्रकला दोनों रो गए, कहने लगे, ओ रे राजा दशरथ, जा हम तुझे श्राप दे रहे हैं, जिस तरह हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, इसी प्रकार तू अपने पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्यागेगा। आज दोनों ने परिचित महाराज ओम शब्द कह करके प्राणों को त्याग दिया। तीनों के मृत शरीर को इकट्ठा करके राजा दशरथ ने अंतिम संस्कार कर दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इधर सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परिचित, रावण और कुंभकर्ण के बहुत बड़े अत्याचार हो रहे हैं। पृथ्वी मैया गैया का रूप धारण करके आज भगवान वैकुंठनाथ विष्णु के पास में पहुंची है। प्रभु रक्षा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और बताया है भगवान कन्हैया ने गीता में अर्जुन से, कार्जुन यदा यदाय धर्म से गिलानिर भवति भारत अमुत्था नाम धर्म से तदात्म सृजाम्यम। और इसी श्लोक का रूपांतर गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि पाणय सुरय धमय भीम। जब जब हुई और बताया कि बाढ़िया सुनैया धमैया भीम। एक तब धरि प्रभु पिपिल सलीला अनहि कृपा निधि सजल पीरा अनहि कृपा निधि। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, क्षमा करना नहीं विविध। भगवान के 24 अवतार हुए, कहीं पर मत्स्य बनना पड़ा, कहीं पर महाराज नरसिंह बनना पड़ा, कहीं पर शुकर बनना पड़ा, कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। एक चौपाई आचार्य जी रामचरितमानस में जब हनुमान जी विभीषण के पास गए, है ना, तो विभीषण से एक बात कही। भक्त विभीषण के प्रात हो तले नाम हमारा, उत्ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। अब एक बात बताइयो भैया, एक सभा से आटा पे सुबह से शाम तक पानी भेज देता हूँ, इतना तो खा लेते हो। इतनी बुद्धि लगाना के परम भक्त हनुमान भगवान श्री राम के और इनको सवेरे सवेरे नाम ले लो, सुबह दिन भोजन नहीं मिले। क्षमा करना, आहार आहार और आहारा, आहार आहार और आहारा। आहारा किसे कहते हैं? आहार भोजन और आहार आप फल फ्रूट समझ लो, कुछ भी समझ लो, आहारा
आहार के थे मीठ और मास तो ये बात भगवान कही थी कि प्रात हो तले इनाम हमारा जो बजरंग बली का भक्त होगा वो मांस और मदरा से तो कोसों दूर होगा। बोलिए बजरंग बली की।